हमारी आयशा नई दिल्ली में जिसकी मीटिंग हुई जिसमें सारे देश के जो एफिलिएटेड और एक्रेडिटेशन वाली यूनिवर्सिटियाँ उनकी इसी को आयशा ने रूल्स निकाला कि उसमें आप जो भी एक्रेडिटेशन और गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं सारे बच्चों को एडमिशन दें, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी ने इस चीज़ को फॉलो किया, लेकिन कृषि मंत्री जी की लगातार दबाव के कारण वो नियम चेंज करना पड़ा हमारी विश्वविद्यालय दोनों विश्वविद्यालय एच एन के भी एंड आर एस के भी। और लास्ट नोटिफिकेशन में ये निकाला गया कि आप सरकारी प्राइवेट कॉलेज वालों को एडमिशन दीजिए, जिसके विरोध में हम सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले हैं और 5-7 दिन में जो हमारा कंटिन्यू चल रहा है उसको हम आगे और बढ़ाएंगे। और 2-3 दिन के लिए बात हमारा निर्णय पॉजिटिव नहीं आया सरकार की तरफ से तो हम इस आंदोलन को उग्र करेंगे और पूरे प्रदेश में ये उग्र आंदोलन होगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी कृषि मंत्री जी की होगी और मध्य प्रदेश शासन की होगी। हमारी मांगे सर ये है कि जो एग्रीकल्चर का प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है निजीकरण, इस निजीकरण को रोकना और हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री में प्रवेश लेने से हम उन छात्रों को रोक रहे हैं जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बीएससी एजी की डिग्री करके आ रहे हैं। क्यों रोक रहे हैं सर? क्योंकि उनके वहाँ पे ना वो आईसीआर के मापदंडों के अनुसार चलते हैं ना आईसीआर से एक्रीडेशन है उनका। तो हमारी यूनिवर्सिटी में सर 30 जनवरी को जब आईसीआर में एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में ये कहा गया कि आपको एक्रीडेशन वाली ही यूनिवर्सिटियों को आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बिठाना है। यूनिवर्सिटी ने हमारे इसमें फैसला लिया और बिल्कुल एक्रीडेशन वाला नियम लागू किया, नोटिफिकेशन में जारी किया। सरकार का इसके यूनिवर्सिटी के कुलपति पर दबाव बना गया, बार बार दो बार एग्जाम डेट भी बढ़ाई गई, पर और अंत में जाके जो है उस नोटिफिकेशन को हटा के एक्रीडेशन जो होता है वो हटा के यूनिवर्सिटी ने डाल दिया कि जो है निवासी या जो भी स्टूडेंट यहाँ से एग्ज़ाम दे सकता है। सर हमारी मांग ये है कि हम वो जो एक्रीडेशन वाला रूल जो कि कहीं ना कहीं ये हम उन छात्रों के लिए न्याय है सर जो पीएटी के थ्रू आते हैं, प्री एग्रीकल्चर जो मध्य प्रदेश सरकार लेती है उसके लिए एक साल कोई भी छात्र एक साल इंदौर में अपना बिल्कुल वो देता है और कोचिंग करता है ना, उन छात्रों के लिए कहीं ना कहीं ये अहित है और एक तानाशाही फैसला मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बनाया जाता है। किस तरह की हड़ताल करेंगे? इसको लेकर सर हमारी ऑलरेडी 6-7 दिनों से हड़ताल जारी है। हम लोग का एक प्रतिनिधिमंडल माननीय कृषि मंत्री जी से मिलने भी गया था भोपाल, उन्होंने आश्वासन तो दिया उन्होंने कि हाँ हम करेंगे, इसमें समिति बनाएंगे, ये करेंगे, बट उन्होंने फिर लास्ट में ये भी बोल दिया कि इस एक साल के लिए जो है ये फैसला जो है हम शिथिल करते हैं, ये एक्रीडेशन वाली मांगे आपकी जो है हम इस साल नहीं करेंगे और इन छात्रों को एडमिशन देंगे। हमारा विरोध सर छात्रों से नहीं, हमारा विरोध सरकार से है कि एक छात्र एक ही प्रदेश में एक डिग्री के लिए दो दो अलग अलग मानक तैयार किए जा रहे हैं। एक कृषि महाविद्यालय। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।